ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बकरा ईद आते ही बकरों की मंडी सजने लगती है, जिसमें कई राज्यों से अलग अलग नस्ल के बकरे बिकने के लिए आते हैं और लोग भी खरीदी के दौरान अलग अलग रंग रूप देखकर बकरे खरीदते हैं और दुकानदार भी बकरों की बिक्री के लिए बकरों के एक से बढ़कर एक नाम सुल्तान, सेरा, बीरू, टाइगर जैसे नाम रखते हैं कि बकरा ना खरीदने वाला भी खरीदने पर मजबूर हो जाता है। इसी तरह से ठाणे के राबोड़ी में FA गोट फार्म में बकरों को एक मॉडलिंग के तौर पर पेश किया गया। इसमें भी कई राज्य से बकरे आए थे जो अलग अलग नस्ल के थे, जिसमें 18,000 से लेकर 35,000 तक कीमत के बकरे थे। इस दौरान बकरों के अलग अलग नाम रखने की वजह से खरीददार इनके तरफ काफ़ी आकर्षित हो रहे थे। बकरों के बारे में दुकान के मालिक फयाज अहमद ने क्या कुछ बताया है। जनरली जैसे कि गोट का पर केजी का रेट ईद मार्केट में 650 हो जाता है, खूबसूरती के ऊपर उसके पैसे लिए जाते हैं। बट मैंने इनको बिल्कुल भी किसी भी तरीके की वजन बढ़ाने वाली दवा नहीं दी है, जिसकी वजह से मैंने उनका एक स्टैंडर्ड वेट रखा है। जो गोट का वजन 50 और 55 किलो के बीच में होता है वो हेल्दी होता है। तो और इसको मार्केटिंग का रीज़न ऐसा है कि मैंने उनको नाम दिया, जिसकी वजह से उसकी केस हिस्ट्री मैंने पिछले 2 साल से संभाली है। तो और वो एक ट्रेंड है, बच्चों के लिए आकर्षण का विषय है कि जानवर का नाम सुल्तान है, शमशेर है, लोकी है, कोटा है, तो उससे बच्चे उससे आकर्षित होते हैं। और ये एक मैंने प्रयास किया है कि अगले बार भी कई हज़ारों शेतकरी एक साथ में आएंगे, हज़ारों जानवर हम लोग हज़ारों नाम देके बांटेंगे और महाराष्ट्र के पास में वो रेवेन्यू रहना चाहिए, ये हमारा प्रयास रहा। आपको बता दें कि इस दुकान के मालिक फयाज अहमद ने सभी बकरों का अलग अलग नाम रखा था, मगर सबसे महंगा 35,000 का बकरा था जिसका नाम सुल्तान था, और इस सुल्तान को सरफराज अहमद ने खरीदा है। क्या कुछ बताया है इसके बारे में। ये जो बकरे हैं ये तो हैं महाराष्ट्र के प्रॉपर, यहाँ पर ये महाराष्ट्र के ही है, और ये जो है नेचुरली इनको मतलब इन बकरों को करीब 2.5 साल से मतलब एक जैसा हम लोग बोलते हैं कि एक बच्चों की तरह इनको पाला गया है अच्छे, और इनको कोई भी जैसा लोग वजन बढ़ाने के लिए वजन वगैरह बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें कुछ नहीं है, और एक मतलब एक नेचुरली जो चीज़ होती है कुदरती, तो उस तरीके से बकरे आज पले बड़े हैं। तो बस ये एक कॉन्सेप्ट हमें अच्छा लगा, तो इसी हिसाब से हम यहाँ पर आए थे देखने के लिए, तो उसमें हमको एक बकरा पसंद आया, तो जिसको हमने अभी हमारा ईद का जो त्यौहार है तो इसी हिसाब से हमने एक बकरा यहाँ से खरीदा। अभी सुल्तान जो बकरा है उसको हमने पसंद किया है, तो इंशाल्लाह वो हम इरादा है लेने। और देखिए कीमत का तो ऐसा है कि अभी कीमत तो है कॉम्पिटिटर मार्केट, लेकिन बनिस्बत अगर देखा जाएगा तो कीमत भी कुछ इतना वो नहीं है, ज़्यादा नहीं है कीमत भी। आपने कहीं मतलब और भी मंडियों में पता किया? नहीं, मंडी में तो ऐसे देखो कॉम्पिटिटर मार्केट है, रेट तो कम ज़्यादा होते रहता है, लेकिन बनिस्बत कैसा है कि जाना और मतलब बॉम्बे जाना या कहीं पर भी जाना और लाना ले जाना वो सब चीज़ें भी रहती है, तो हमको एक सहूलत के हिसाब से हमने देखा और हमको जो चीज़ पसंद आई हमने उसको खरीद लिया। तो देखा आपने कि बकरा ईद नज़दीक है और लोग बकरों की खरीदारी कर रहे हैं कि वो कुर्बानी कर सके। सबकी अलग अलग पसंद है और सब अपने अपने बजट के हिसाब से ही कुर्बानी के लिए बकरे खरीद रहे हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।